जाएंगे। हे यीशु महान अपना हम गीत गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ जाएंगे। हे यीशु महान अपना हम गीत बताएंगे। हे यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ जाएंगे। हे यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज सामान्य काल का बपतिस्मा रविवार है। आज हम लोग देखेंगे कि ईश्वर कितना हम लोगों को प्रेम करते हैं, हम लोगों की देखभाल और रक्षा करते हैं। इसलिए आज के दूसरे पाठ में हम लोग सुनेंगे मसीह युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुए जिससे वह आत्म बलिदान द्वारा पाप को मिटा दे। अर्थात परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य के पाप मिट जाए, मनुष्य शुद्ध और पवित्र हो जाए, जिसके द्वारा मनुष्य ईश्वर के राज्य में प्रवेश पा सकें। तो आइए आज हम सारे गुनाहों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, क्योंकि हम सब इस संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, और समाज में रहते हुए हम कभी कभी दूसरों को जानने के लिए और समझने के लिए असफल हो जाते हैं। उस घड़ी और उस क्षण के लिए अपने गुनाहों और गलतियों के लिए प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्ग दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। प्रभुवर क्षमा करो,
आइए हम खुशी और आनंद के साथ महिमा गान गाएं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सृजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सृजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते प्रार्थना करें। हे ईश्वर शक्तिमान और दयालु ईश्वर, कृपा पूर्वक हर संकट से हमारी रक्षा कर, ताकि हम शारीरिक और आत्मिक बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र हृदय से स्वर्गिक वस्तुओं की खोज में लगे रहें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 32वां एतवार, पहला पाठ, राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 17, वचन संख्या 10 से 16 तक। एलियास उठकर सरेप्ता गया। शहर के फटक पर पहुंचकर उसने वहां लकड़ी बटोरती हुई एक विधवा को देखा और उससे बुलाकर कहा, मुझे पीने के लिए घड़े में से थोड़ा सा पानी ला दो। वह पानी लाने जा ही रही थी कि उसने उसे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवंत प्रभु का बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है, मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं दो एक लकड़ियां बटोरने आई हूँ। आप घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे।
एलियस ने उसे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पका कर ले आओ, इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इज़राइल का ईश्वर प्रभु यह कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी ना बरसाएं, उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और ना तेल की कुप्पी खाली होगी। एलियस ने जैसा कहा था स्त्री ने वैसा ही किया, और बहुत दिन तक उस स्त्री, उसके पुत्र और एलियस को खाना मिलता रहा, जैसा कि प्रभु ने एलियस को मुख से कहा था, ना तो बर्तन में आटा समाप्त हुआ और ना तेल की कुप्पी खाली हुई। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। प्रियतम येशु, अनुपम येशु, मार्गम सत्यम जीवन येशु, प्रियतम येशु, अनुपम येशु, सच्चाई का दर्पण येशु, सारे जग का जीवन येशु, सच्चाई दर्पण येशु, सारे जग का जीवन येशु, वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो, शक्ति देता, मार्गम सत्यम जीवन येशु, प्रियतम येशु, अनुपम येशु, जीवन येशु, प्रियतम येशु, अनुपम येशु, प्रियतम येशु, अनुपम येशु। दूसरा पाठ, इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्या 24-28। येशु ने उस हाथ के बने मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतिरूप मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया, जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। येशु को उसी तरह बार बार अपने को अर्पित करने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा होता है तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुए, जिससे वह आत्म बलिदान द्वारा पाप को मिटा दें। जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हर लेने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे पाप के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। Hallelujah, 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 dil mein mere aa tu yesu mere swami, mere dil ko tune mal kar de swami, dil mein mere aa tu yesu mere swami, mere dil ko tune mal kar de swami, Hallelujah, 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 Hallelujah.
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो, लंबे लबादे पहनकर टहलने ना जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम स्थानों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान हो जाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने दो अधेले अर्थात एक पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में विश्वासी भाइयों बहनों, माता पिताओं एवं बच्चों, आज जब पहला पाठ और सुसमाचार में हम लोग मनन चिंतन करते हैं तो एक लाइन में कहा जाए तो हम कह सकते हैं प्रभु अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। और इसलिए ईश्वर आज के पहला पाठ के अनुसार मन की उदारता को देखते हैं। जब नबी एलिया सरप्ता के एक विधवा के पास जाते हैं तब एलिया उस विधवा से कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो, और वह आज्ञा का पालन करती है। आज्ञा पालन करते हुए वह जाने लगती है, अपने काम को छोड़कर, लकड़ी उठाते हुए उसको छोड़कर जब जाती है तब वह अपने भूख को प्रकट करते हुए कहता है कि एक छोटी सी रोटी मेरे लिए ले आना। और वह विधवा कहती है कि मेरे पास मात्र एक मुट्ठी आटा है और कुप्पी में थोड़ी सी तेल। और इस आटे और तेल से नबी एलिया चमत्कार करते हैं, ईश्वर के द्वारा चमत्कार, क्योंकि ईश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि इसराइल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी ना बरसाए उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और ना कुप्पी में तेल खाली होगी। और यह स्त्री एक विश्वासी, प्रभु पर विश्वास और श्रद्धा रखने वाली है, वह भी आज्ञा पालन करती है और उनको रोटी खिलाती है। यदि वह आज्ञा का पालन नहीं करती, ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखती, नबी की आदर नहीं करती, तो शायद ईश्वर का वह चमत्कार नहीं हो पाता। आज भी ईश्वर मनुष्यों के माध्यम से चमत्कार करना चाहते हैं, बशर्ते हम मानव उस चमत्कार को करने के लिए, ईश्वर जो चमत्कार करना चाहते हैं उसमें हमको सहभागी होना है, हमको आगे आना है, उस प्रभु के चमत्कार करने की क्रिया को पहचानना है। आज हम प्रभु से कृपा मांगे कि प्रभु वह शक्ति और प्रज्ञा दीजिए ताकि आपके कार्य और आपकी इच्छा को हम जान सके, जिसके द्वारा
ईश्वर हमारे माध्यम से चमत्कार कर सके। आज भी बहुत सारे संसार में विधवाएं हैं, गरीब लोग हैं, और वो ईश्वर हमारे माध्यम से जरूरतमंद लोगों के लिए चमत्कार करना चाहते हैं। जब प्रभु यीशु ने 5000 लोगों को चमत्कार किया था, उन्होंने खिलाया था, भरपूर खिलाया था, उस समय भी 3 रोटी और 2 मछलियां थी। और इस तरह से प्रभु यीशु चमत्कार दिखाए, तो वही चमत्कार आज भी हमारे बीच में प्रभु करना चाहते हैं। और इसलिए हम लोगों को यह आह्वान करते हैं कि हम प्रभु पर विश्वास रखिए, जिस तरह यह विधवा, सरपता की विधवा ने उन वचनों पर विश्वास किया था। और इस तरह से न आटा खत्म हुई, न तेल खत्म हुई, जब तक उस देश में भुखमरी था, अकाल पड़ा हुआ था। अर्थात आज्ञा पालन, ईश्वर के आज्ञा पालन, यदि यह स्त्री आज्ञा का पालन नहीं करती तो कुछ भी नहीं हो सकता था। अर्थात आज के दूसरा पाठ में हम लोग देखते हैं इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र में कि मसीह हम लोगों का मध्यस्था बनने के लिए हम लोगों को बुलाते हैं, हम लोगों को मध्यस्था बनने के लिए आह्वान कर रहे हैं। हमारे मध्यस्था के द्वारा ही ईश्वर अपने चिन्ह और चमत्कार को प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया, जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो जाए। अर्थात प्रभु यीशु हमारे मनुष्यों के बीच और ईश्वर के बीच, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का मध्यस्था बने। जो ईश्वर वह इस संसार के बनी हुई मंदिर में नहीं, लेकिन स्वर्ग के मंदिर में प्रवेश करके ईश्वर के सामने उपस्थित होते हैं, जिसके द्वारा हमारी मध्यस्थता कर हमारी अगुवाई कर सके, हमारे कमजोरियों को, खामियों को रहते हुए भी हमारी वकालत कर सके। और इसलिए प्रभु यीशु ने एक बार अपने आप को समर्पित कर दिया, ताकि फिर बार बार हमारे गुनाहों के लिए और नवजीवन प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए हमको फिर से बलि ना चढ़ाना पड़े। राजा जनता की खुशी के लिए हर बार उनके खुशी और आनंद के लिए, उनको खुश करने के लिए राजा दूसरों के खून को मंदिर के गर्त में जाकर मिलाते थे, और लोग विश्वास करते थे कि यह खून लोगों को पाप से मुक्ति दिलाएगी। नहीं, प्रभु यीशु ने अपने आप को कुर्बान करके हमारे लिए मुक्ति का दिन ठहराया है। और इसलिए हम सब आज देखते हैं कि परमेश्वर सुसमाचार के अनुसार हमारे बाहरी रूप नहीं, लेकिन आंतरिक रूपों को देखना चाहते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं ये शास्त्री लोग, बाजारों में प्रणाम करना, अच्छे कपड़े पहनना, लंबे लबादे कपड़े पहनना, प्रणाम प्रणाम दूसरों के मुंह से सुनना उनके लिए अच्छा लगता है। मनुष्य बाहरी रूप को देखते हैं, बाहरी सुंदरता को देखते हैं, और दिखावा के लिए हम लोग अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, लेकिन ईश्वर हम लोगों को आध्यात्मिक सुंदरता की ओर ध्यान देने के लिए कहते हैं। हम लोग बाहरी सुंदरता एवं दिखावे में धोखा खा जाते हैं। बहुत सारे लोग बाहरी दिखावा, पहना ओढ़ाव में धोखा खा जाते हैं, और यही शास्त्री लोग बाहरी रहन सहन पर ज़्यादा ध्यान दिया करते थे, और जिसके कारण आध्यात्मिकता उनमें समाप्त हो गई थी। और इसलिए प्रभु यीशु उनको यह डांटते हुए उनको समझाने की कोशिश करते हैं। मान सम्मान की खोज में लगे रहते हैं, और इसलिए बाजारों में प्रणाम प्रणाम दूसरों के द्वारा सुनना उनको अच्छा लगता है। हमें प्रणाम सुनना नहीं, लेकिन हम अपने आप में नम्र बनने के लिए हमको कहते हैं। आध्यात्मिक रूप से हम लोगों को सुंदर और अच्छे आध्यात्मिक वस्त्रों को पहनने के लिए आज प्रभु यीशु हम लोगों को आह्वान कर रहे हैं। और आज दान के बारे में कहते हैं
कि सभी ने धनी लोगों ने अपने धन में से कुछ दान दिए, लेकिन एक विधवा, एक गरीब महिला जो तंगी में भी आकर सब कुछ दिया, एक अधेले, मतलब उनके पास मात्र एक अधेले था, जो कुछ था उसको सारे हृदय से, मन से प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए उसको दान दिया, ताकि मेरे से जो जिनके ज़्यादा ज़रूरत है वो उसका काम में आ जाए, उनके लिए कुछ मदद आ जाए, यही सोचकर उन्होंने सब कुछ को समर्पित कर दिया। आज हम लोगों को सब कुछ देने के लिए परमेश्वर आह्वान कर रहे हैं, हम लोगों को बुला रहे हैं। जब हम सेवा, किसी का सेवा करते हैं तो मन लगाकर हम लोग सेवा करें, यदि दान देते हैं तो हृदय खोलकर हम दान दें, यदि हम एक दूसरे को क्षमा देते हैं या क्षमा मांगते हैं तो पूरी तरह से क्षमा दें, किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष ना रखें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो मन लगाकर हमको प्रार्थना करना करते हैं, ना कि दिखावा के लिए करने के लिए कहते हैं। आदर सत्कार की लालसा नहीं रखना चाहिए, लेकिन आदर सत्कार हमें स्वयं दूसरों को देना चाहिए, ताकि दूसरे हमारे आदर और सत्कार को जान सके और ईश्वर की महिमा हो सके। तो आइए आज हम जब इस रविवार को ईश्वर हम लोगों को प्रेम करते हैं और हम लोगों को देखभाल करते हैं, इस समय में हम लोग आज प्रभु से इन वचनों से देने के लिए सीखें। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं को सृष्टि करता, एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर, वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है, वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ का सृष्टि हुआ, वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना, उसे पैंतालीस के समय दुख भोगा, वह क्रूस पर रोका गया, वह मर गया और बनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है, वह जीवित और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है, वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है, वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ, मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ, आमीन। आइए हम आज अपने अपने सभी निवेदनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे प्रार्थना की आशा करते हैं और आज हम लोगों को उदार बनने के लिए प्रभु आह्वान करते हैं। आइए हम अपनी आवश्यकता और ज़रूरतों को प्रभु के हाथों में चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम संत पापा फ्रांसिस, सभी कार्डिनल्स, बिशप एवं सभी पुरोहित धर्म बहनों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आप अपने चुने हुए सेवकों को अपनी आत्मा से परिपोषित कर उन्हें अपने सामर्थ्य से भर दे, ताकि वे हर परिस्थिति में तेरी सेवा कार्य को ईमानदारी से कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम प्रार्थना करते हैं सभी अनाथ, बेसहारा एवं विधवाओं के लिए, जो इस दुनिया में रहते हुए भी निराशा का जीवन जी रहे हैं।
उनके अंदर कोई आनंद नहीं है। प्रभु तू उनका सहारा बन, हर ज़रूरत में उनको सहायता प्रदान कर जिससे वे तुझे अपना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी नौजवान भाई बहनों के लिए जो विभिन्न नौकरियों की तलाश में हैं, कड़ी मेहनत करते घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं। हे प्रभु तू उनके उज्जवल भविष्य का द्वार खोल दे और उनके लिए उचित नौकरियों का प्रबंध कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाले सभी परिवारों के लिए। सभी परिवारों में तेरी आशीष एवं कृपा हो। परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना जिससे वह परिवार एक आदर्श परिवार बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम सभी को यह कृपा दीजिए कि हम सब पवित्र आत्मा के वरदानों को ग्रहण कर दुनिया के पाप बुराई एवं लालच से दूर रहे। पवित्र आत्मा की संगति ग्रहण कर हम भलाई के कार्य एवं पवित्रता में आगे बढ़ें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने अपने निवेदनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम उन लोगों के जरूरतों के लिए भी प्रार्थना करें जिन्होंने हमसे प्रार्थना की आशाएं की हैं। हे प्रभु अपने कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरे यीशु मैं आया चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, मन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने। भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु हमारे इन बलिदान उपहारों पर कृपा दृष्टि डाल। हम तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का समारोह मनाते हैं उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सकें, ऐसी कृपा कर।
उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। हे प्रभु पवित्र पिता, स्वर्ग शक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार के सभी तत्वों का सृजन किया और काल तथा ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सारे रहस्य उसके अधीन कर दिए, ताकि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे और तेरे महान कार्यों को देख हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा सदा तेरे स्तुति गान करता रहे। इसलिए सभी दूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नमन निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजेन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन माता पिता भाई बहनों के सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्ट ने हमें सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरे करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर ने अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप फर लेते हैं। धन्य हम सब जो इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं।
हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्राइस्ट का शरीर तथा रक्त मलन। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल मेरे प्रभु तेरी मन्नत आजा, हर पल हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें इस पवित्र उपहार से पोषित किया है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरी दया की याचना करते हैं। जिन लोगों ने तुझसे दिव्य सामर्थ्य पाया है, वे पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा मृत्यु तक विश्वस्त बने रहें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम लोग भी डाले प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय।